YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एलएल चित्रवाड़ में स्वागत है। आज अपना टॉपिक अपन लेते हैं भैंस की नस्लें। अपन देखो पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं मुर्गी पालन, और मुर्गी पालन के अंतर्गत अपन नस्लें भी पढ़ी थी, उसमें अंडा उत्पादन भी अपन हमने पढ़ा, आहार नियंत्रण भी अपन ने किया। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से निकलते हैं, मुर्गियों की नस्लों के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंडा उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपन बात कर रहे हैं अपना जो नया टॉपिक है वो है भैंस की नस्लें। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भैंस का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो जूलॉजिकल नेम क्या होता है। तो भैंस का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है बुबेलिस बुबेलिस। क्या होता है? बुबेलिस 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 बुबेलिस। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसकी फैमिली की, यानी जूलॉजिकल नेम के बाद में अपन ने देखा भैंस की फैमिली। तो भैंस की फैमिली कौन सी होती है? बोविडी। कौन सी होती है? बोविडी। आगे समझ में? नंबर एक चीज, पहली चीज अपन ने देख ली जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम अपने पास में आया बुबेलिस बुबेलिस, और फैमिली अपन ने देखी कौन सी आ गई? बोविडी। अब बात करते हैं अपन की टोटल जो विश्व की टोटल विश्व की कितनी प्रतिशत भैंस अपने एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है विश्व की कुल 95% भैंस एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। समझ गए कितनी परसेंट? 95% भैंस एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं भारत की कि भारत में विश्व की टोटल कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए भारत में विश्व की कुल 57% भैंस पाई जाती हैं। कितनी प्रतिशत भैंस पाई जाती है? 57% भैंस पाई जाती है। एक भैंस विश्व में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। फिर बात करते हैं भैंस का उपनाम, यानी इसको किस नाम से जानते हैं। तो भैंस को अपन ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन से यहाँ बनता है कि ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं, तो भैंस को ब्लैक डायमंड कहते हैं। फिर बात करते हैं भारत में यानी कि भैंस की कितने नस्लें पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत में भैंस की 13 नस्लें पाई जाती है। कितनी नस्लें पाई जाती है? 13 नस्लें पाई जाती है। आगे समझ में? बात करते हैं नेक्स्ट अपन, यानी यहाँ पर वर्गी क्लासिफिकेशन करते हैं अपन भैंसों का, जो कि 13 नस्लें। हालांकि 13 अपन नहीं पढ़ेंगे, अपने तो ओनली क्या कितना पढ़ना है, 6 नस्लें पढ़नी है, लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। देखो वर्गीकरण क्या करते हैं अपन, यानी इसका दो तीन प्रकार से, मोस्टली दो तीन प्रकार से करते हैं। तो देखो एक तो अपन क्या करते हैं, यानी वो उसका उत्पत्ति स्थल कौन कौन सी, जैसे एशिया है या अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं वर्गीकरण की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अफ्रीकन, कौन सी देखते हैं अपन? अफ्रीकन भैंस देखते हैं। देखो अफ्रीकन जो भैंस होती है वो क्या होती है, यानी नॉर्दर्न अफ्रीका में ही पाई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन दूसरी जो नस्ल है वो, यानी दूसरी जो भैंस की नस्लें हैं वो कौन सी होती है? एशियन नस्लें। एक तो हो गई अफ्रीकन नस्लें और दूसरी कौन सी हो गई? एशियन नस्लें। अब बात करते हैं इस एशियन नस्लों को अपन क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखो एक तो होता है जंगली और दूसरा होता है पालतू। पहली नस्ल कौन सी हो गई? जंगली, और दूसरी नस्ल कौन सी हो गई? पालतू। यानी जो एशियन नस्लें हैं उन एशियन नस्लों के अंतर्गत एक तो पाई जाती है जंगली और दूसरी पाई जाती है पालतू नस्लें। ठीक है, अब फिर वापस अपन बात करते हैं इस पालतू को भी अपन क्या करते हैं, दो भागों में फिर विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में विभाजित कर देते हैं? दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होता है आपके जल भैंस, एक तो किस नाम से जाना अपने, जल भैंस के नाम से जाना, या जल भैंस के अलावा इसको अपन क्या कह सकते हैं, दलदली। किस नाम से जान सकते हैं, यानी सॉरी
जल का मतलब रिवर, यानी रिवर भैंस, ठीक है। तो एक तो आपके पास में आ गई कौन सी, जल भैंस, और दूसरी आपके पास में कौन सी आ गई, दलदली। कौन सी आ गई, दलदली भैंस आ गई। अब देखो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं जो जल भैंस है या रिवर भैंस है वो क्या होती है, यानी उनको अपन भारतीय नस्लों के नाम से जानते हैं। किस नस्लों के नाम से जानते हैं, भारतीय नस्लों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बता दीजिए, यानी भारतीय नस्लें कौन सी हो गई आपकी, रिवर भैंस हो गई। कौन सी हो गई, रिवर भैंस हो गई, यानी जल भैंस हो गई भारतीय नस्लें। इनमें गर्मी सहन करने की क्षमता क्या होती है, कम पाई जाती है। क्या होता है, गर्मी सहन करने की क्षमता कम पाई जाती है। तो यहीं पर बता दीजिए, यानी रिवर भैंस की फिर विशेषता गर्मी सहनशील या सहन करने की क्षमता कम, सहन करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एक चीज तो आपके ये समझ में आ गया, यानी जो जल भैंस है या रिवर भैंस है। अब यहाँ गुणसूत्र देखिए, तो जो जल भैंस है इसमें गुणसूत्र 2n बराबर कितने होते हैं, 50 होते हैं। कितने होते हैं, 2n बराबर 50 होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल आपके सामने आ रही है, जल भैंस है रिवर भैंस पानी में रह रही है, इट मीन्स ये पानी में तैरना पसंद करती है। किसमें तैरना पसंद करती है, पानी में तैरना पसंद करती है, पानी में तैरना पसंद करती है। कौन आपकी, रिवर भैंस, ठीक है। एक ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन दलदली भैंस की। किसकी बात कर रहे हैं, दलदली भैंस की अपन बात कर रहे हैं। तो जो देखो जो दलदली भैंस है, ये दलदली भैंस क्या है, विश्व में सॉरी विदेशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, विदेशों में पाई जाती है, नंबर एक चीज। दूसरी यहाँ पर अपन गुणसूत्रों की बात करें तो यहाँ गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 48 होते हैं। कितने होते हैं, 2n बराबर 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और नेक्स्ट तीसरी बात अपन बात करें तो ये क्या होता है, बाहर वहन करने के काम में दी जाती है, बोझा ढोने के रूप में काम में दी जाती है। बात एक ही है, बाहर वहन या बोझा ढोने के रूप में काम में ली जाती है, ठीक है। अब मैं वापस एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ वर्गीकरण। आपने देखा देखो अफ्रीका, दूसरा एशियन। जो अफ्रीकन है वो अफ्रीका में पाई जाती है, जो एशियन है वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप वाले जो भैंस है उनको किन दो भागों में विभाजित किया, एक आया जंगली, दूसरा आया पालतू। जंगली को अपने को पढ़ना नहीं है, अपने पास में आती है पालतू। पालतू दो प्रकार की होती है, जल भैंस और दूसरी दलदली भैंस। जल भैंस को क्यों किस नाम से जानते हैं, रिवर भैंस के नाम से, यानी ये भारतीय नस्ल है। कौन सी नस्ल है, भारतीय नस्ल है। इसमें क्या होता है, गर्मी सहन करने की क्षमता यानी कम होती है। यहाँ क्षमता कम बता, ज्यादा मत बता देना। गर्मी सहन करने की क्षमता कम होती है, पानी में तैरना पसंद करती है। गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 50। फिर बात की अपन ने दलदली भैंस की, तो इसको ये विदेशों में पाई जाती है। यहाँ 2n बराबर कितने होते हैं, 48 होते हैं, और बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। ये तो अपने उत्पत्ति स्थल के आधार पर क्या कर लिया, वर्गीकरण कर लिया। इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण अपन देखते हैं, आकार के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण क्या होता देखते हैं, आकार के आधार पर अपन वर्गीकरण देखते हैं। देखो आकार के आधार पर अपन सीनियर में तीन प्रकार की पद्धति, कितने प्रकार की पद्धति, तीन प्रकार की पद्धति। हालांकि ये वर्गीकरण जो ट्वेल्थ क्लास में नहीं था, लेकिन जो भी आकार के आधार पर वर्गीकरण था वो आपके ट्वेल्थ क्लास में था। एक तो बाहरी नस्ल, एक तो कौन सी थी, बाहरी नस्ल, उसके बाद में मध्यम नस्ल, और उसके बाद में अपन ने बात की थी तीसरे की, हल्की नस्ल। तो यहाँ पर अपन ने वर्गीकरण देखा किसके आधार पर, आकार के आधार पर। देखो आकार के आधार पर अपन ने क्या किया, तीन भागों में विभाजित किया। पहला अपन ने देखा भारी नस्ल, क्या देखा, भारी नस्ल, यानी जिसमें वजन ज्यादा पाया जाता है, जिसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, भारी नस्ल कहते हैं। देखो भारी नस्लों के अंतर्गत सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देना है कौन सा, मुर्रा। कौन सा देना है, मुर्रा। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल अपन ने दे दिया जाफराबादी। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे दिया अपन ने, जाफराबादी। और तीसरा एग्जाम्पल अपन ने दे दिया नीली रानी। क्या क्या एग्जाम्पल दे दिया अपन ने, तीन एग्जाम्पल अपने यहाँ दिए, नंबर एक गोरा, दूसरा जाफराबादी, और तीसरा नीली रानी। मिनी एलिफेंट, क्या कहते हैं जाफराबादी को, मिनी एलिफेंट के नाम।
नाम से जानती हैं। या आगे और बताऊंगा, अभी बता और बता दूंगा। तो पहले आपने देखा बारे नसल मुर्रा जाफराबादी और नीली धावी। उसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर दो के ऊपर। दो के ऊपर अपने पास में क्या आता है, मध्यम नस्लें। क्या गया, मध्यम नस्लें, यानी जिनका आकार क्या होता है, मध्यम होता है। उसके अंतर्गत देखो आपके नंबर एक पे आ गई मेहसाना। कौन सी नस्ल आ गई, मेहसाना। दूसरी आपके नस्ल आ जाती है नागपुरी। हालांकि नागपुरी अपन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, देखो थोड़ी से यहाँ पर ध्यान रख लेना। एक तो अपने को पढ़ना है मुर्रा, दूसरा अपने को पढ़ना है जाफराबादी, तीसरी अपने को पढ़नी है नीली रागी, चौथी पढ़नी है मेहसाना, पांचवी पढ़नी है आपके बदावरी। कौन सी पढ़नी है, बदावरी। और यहाँ पर आगे बात करेंगे अपन जहाँ पर वो पढ़ेंगे सूरती। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपन फिर एग्जाम्पल तीन पढ़े, मेहसाना, नागपुरी और बदावरी। ये किस प्रकार की नस्लें हो गई, मध्यम नस्लें। इसके बाद आता है नंबर तीन के ऊपर हल्की नस्लें। नंबर तीन पे क्या जाता है, हल्की नस्लें। हल्की नस्लों का मतलब वजन बहुत ही कम होता है, यानी यहाँ पर सिंपल सा एक ही एग्जाम्पल आता है और वो आता है सूरती। कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है, सूरती। यहाँ पर मुर्रा जाफराबादी नीली रागी मेहसाना बदावरी और सूरती, ये छह नस्लें अपने को पढ़नी है। लेकिन फिर भी आपको नागपुरी यहाँ ध्यान रखना है मध्यम नस्ल में। कहाँ पर ध्यान रखना है, मध्यम नस्ल के अंतर्गत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, हालांकि एक नस्ल आपकी नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसकी बात कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नस्ल का नाम है टोडा। नस्ल का नाम क्या है, टोडा। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। गर्मी सहन करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। अपनी भारतीय नस्लों में गर्मी सहन करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन टोडा जो नस्ल है ये तमिलनाडु में पाई जाती है और इसमें क्या होता है, गर्मी सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है। आ गया समझ में। तो अपने को देखो, अपने एक वर्गीकरण पढ़ा उसकी उत्पत्ति स्थान पर, पहला अपन ने बताया अफ्रीकन एशियन। अफ्रीकन को अपन ने नहीं पढ़ा, एशियन को फिर अपन ने दो भागों में विभाजित किया, नंबर एक जंगली, नंबर दो पालतू। उसके बाद में जंगली को फिर नहीं पढ़ा, पालतू को अपन ने फिर दो भागों में विभाजित किया, एक जल भैंस और दूसरी दलदली भैंस। जल भैंस कौन सी, भारतीय नस्ल। कौन सी होगी, भारतीय नस्लें होगी। दलदली विदेशों में पाई जाती है। फिर बात की अपन ने आकार के आधार पर, बाहरी नस्लों के अंतर्गत मुर्रा जाफराबादी नीली रागी देगा, मध्यम के अंतर्गत मेहसाना नागपुरी और बदावरी देगा, और हल्की के अंतर्गत सूरती अपन ने पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो, बेझिझक। ये नहीं करना है कि अपन क्या सर को मैसेज करेंगे, क्या पूछेंगे। देखो क्या होगा, इतना सा यानी एक ही चीज होती है कि चलो ठीक है पूछ लेते हैं, और यदि आप झिझक में रह गए तो वो क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बेझिझक आप पूछिए, कोई भी समस्या हो उसको हल करने के लिए हम तैयार है। ठीक है, अब आते हैं आगे अपन नेक्स्ट जो नस्ल है वो पढ़ लेते हैं। कौन सी, मुर्रा। भैंस की नस्ल कौन सी पढ़ लेते हैं, मुर्रा नस्ल। देखो यहाँ पर आपको मैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषताएं बताता जाऊं उनको तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा क्या, मुर्रा। देखो मुर्रा के अंतर्गत सबसे पहले अपन को मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इसका ओरिजिन पैलेस या मूल स्थान जिसको अपन कहते हैं। मुर्रा का ओरिजिन पैलेस है हरियाणा। कहाँ है, हरियाणा। अब यहाँ पर बात के लिए अपन ने ये तो इसका मूल स्थान लिख दिया हरियाणा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं वितरण। क्या पढ़ते हैं, वितरण। वितरण का मतलब होता है ये प्रजेंट में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। मूल उत्पत्ति स्थल हरियाणा था लेकिन वर्तमान में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्रजेंट में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये होता है वितरण। देखो हरियाणा में तो पाई जाएगी जाएगी। अब हरियाणा में भी स्पेशली जो जिले हैं वो कौन से हैं, तो हरियाणा का, हरियाणा का तो क्या हो गया, एक तो हिसार हो गया। हिसार कहां पर है, हरियाणा में ही है, तो एक तो हिसार हो गया। दूसरा अपने पास में क्या आ जाता है, रोहतक। ये दो जिले तो आ गए हरियाणा के।
उसके अलावा ये यूपी में भी पाई जाती है, ये राजस्थान में भी पाई जाती है और ये दिल्ली में भी पाई जाती है। यानी चार स्टेट के अंदर ये पाई जाती है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं इसके शारीरिक विशेषताओं की। किसकी बात कर रहे थे अपन? इसके शारीरिक विशेषताओं की अपन बात करते हैं। तो शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता रंग, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी विशेषता रंग देखना है। रंग कैसा होता है? गहरा काला। कैसा होता है? गहरा काला। अरे काला तो सभी का होता है एक बदावरी को छोड़ते हुए, लेकिन यहां पर अपन पढ़ रहा गहरा काला और इंग्लिश में शब्द होता है जेट ब्लैक। कौन सा शब्द होता है? जेट ब्लैक कलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। कलर कैसा होता है? गहरा काला, या जिसको अपन कहते हैं जेट ब्लैक। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विशेषता की। पहले इंपॉर्टेंट विशेषता, उसके बाद में कोई दूसरी विशेषता है तो वो बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं अपन सींगों के ऊपर। कहां पर आ जाते हैं? सींगों के ऊपर। तो रंग तो पहले लिया गहरा काला, उसके बाद में आते हैं सींग। सींग क्या होता है? वलय आकार। कैसा? वलय आकार या जलेबी आकार, या तो कह दो वलय आकार या कह दो जलेबी आकार। जलेबी राउंड होती है, घूमी हुई होती है, तो घूमे हुए सींग होते हैं वलय, यानी रिंग, और रिंग का मतलब क्या होता है? घुमावदार। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो गया? यानी सींग किस प्रकार के हो गए? वलय या जलेबी आकार के, या अंदर की तरफ मुड़े हुए, ये भी आ सकता है भाई। सिंपल सी बात है, क्या होता है? सींग कैसे घूमता है? वापस घूम जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? वलय बना लेता है। तो जलेबी आकार या वलय आकार या फिर अंदर की तरफ मुड़े हुए, कैसे होते हैं? अंदर की तरफ मुड़े हुए। ये दो विशेषताएं तो अपन ने पढ़ी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे समझ में? चलो अब देखो आगे बात कर लेते हैं आयनों की। किसकी बात कर लेते हैं? आयनों की बात कर लेते हैं। आयन विकसित व दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? आयन विकसित व दूर दूर होते हैं। आयन विकसित व दूर दूर, यानी जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं? विकसित प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं? दूर दूर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इसके पूंछ की। बहुत इंपोर्टेंट, ये भी थोड़ी सी इंपोर्टेंट विशेषता आ जाती है। पूंछ जो होती है उस पूंछ पर क्या होते हैं? सफेद सुनहरे बाल होते हैं। पूंछ पर क्या होते हैं? सफेद सुनहरे बाल होते हैं। पूंछ पर सफेद सुनहरे बाल, जो गुच्छा होता है ना, उस गुच्छे का जो लास्ट, यानी जो पूंछ का जो नीचे वाला भाग, यानी वो गुच्छा, वो किस कलर का होता है? सफेद सुनहरे कलर का होता है। यानी इसके बाल कैसे हो गए? सफेद सुनहरे हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत फर्तम ब्यांत की उम्र। फर्तम ब्यांत की उम्र, यानी पहली बार प्रजनन योग्य होंगे कितनी उम्र में क्या हो जाती है? ब्याह जाती है। तो वो आ जाता है इसका प्रथम ब्याह। प्रथम ब्याह की उम्र होती है 36 से 48 माह। कितनी होती है? 36 से 48 माह। आ गया समझ में? चलो इसके बाद आ जाते हैं अपन इसकी उपयोगिता पर। कहां जाते हैं? उपयोगिता पर। मूल स्थान पढ़ लिया, उत्पत्ति स्थल पढ़ लिया, इसकी विशेषताएं पढ़ ली, और उसके बाद में इसकी उपयोगिता पढ़ लेते हैं। देखो मोस्टली जो बुरा होती है उससे अपने को बहुत ज्यादा दूध प्राप्त होता है, और वो कितना होता है? 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यां। कितना प्राप्त होता है? 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यां अपने को यहाँ से, कौन सी नस्ल से? भूरा से दूध प्राप्त होता है। बात करते हैं इसमें वसा की। किसकी बात करते हैं? वसा की। तो जो फैट होते हैं वो फैट पाए जाते हैं कितने? 7%। कितना पाया जाता है? 7%। अब यहाँ दूध आपने पास में आया कितना? 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यां। तो सब यहाँ से इम्पोर्टेंट विशेषता निकल जाती है
सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी हो गई? मुर्रा हो गई। कौन सी हो जाती है? मुर्रा नस्ल हो जाती है। ठीक है, इंपोर्टेंट। वापस एक बार पता देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। मूल स्थान हरियाणा, वितरण हरियाणा का हिसार और रोहतक जिला, उसके अलावा यूपी, राजस्थान, दिल्ली में पाई जाती है। रंग कैसा होता है? गहरा काला, ब्लैक यानी जेट ब्लैक। उसके बाद सींगों की बात करें, वले आकार, जलेबी आकार या अंदर की तरफ मुड़े हुए। आयन कैसे होते हैं? विकसित व दूर दूर। पूंछ पास क्या होते हैं? सफेद या सुनहरे बाल होते हैं। प्रथम व्यास नंबर 36 से 48 में है और उपयोगिता 2000 से 2500 लीटर प्रति व्यास दूध अपने को मिलता है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। वसा कितनी पाई जाती है? 7% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 7% पाई जाती है। नेक्स्ट नस्ल देखते हैं। मुर्रा के अंतर्गत कोई भी प्रोग्राम, चलो आगे देखो। नेक्स्ट नस्ल और नेक्स्ट नस्ल के रूप में देख लेते हैं सूरती, छोटी छोटी नस्ल। कौन सी देखते हैं? सूरती नस्ल। सूरत कहां पर है भाई? गुजरात। भाई सूरती, सूरती से शब्द क्या निकला? सूरत। तो मूल स्थान अपने को बताना है, तो देखो उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान कुछ भी बोलो इसको, तो ये अपने पास में आ जाता है आनंद बड़ौदा गुजरात। आनंद बड़ौदा गुजरात। अरे आनंद से कुछ नाम याद आया क्या? नहीं है नहीं, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं। आनंद एक चीज पढ़ी थी NDRI और एक चीज पढ़ी थी NDDB। कुछ सम पल्ले पड़ा है? चलो देखो, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। उसके बाद बात की हमने NDDB की, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पर है? आनंद गुजरात में ही है। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा सा मैंने इसको और बता दिया एक क्वेश्चन। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं मूल स्थान अपने पास में क्या आ गया? आनंद बड़ौदा गुजरात आ गया। और वितरण की बात कर लेते हैं, तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी नस्ल है, तो आपको बताना है सूरती नस्ल। कौन सी नस्ल है? सूरती नस्ल है। उसके बाद बात करते हैं अपन इसके शारीरिक विशेषताओं की। इसकी बात कर लेते हैं, शारीरिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो आप शरीर का आकार है वो कैसा होता है, तो ये मध्यम आकार की होती है। इस प्रकार की होती है, हालांकि हल्की है लेकिन आकार कैसा होता है? मध्यम होता है। तो शरीर मध्यम आकार का, शरीर मध्यम आकार का। रंग की बात करें, अब इसकी बात कर रहे हैं अपन, रंग की बात कर रहे हैं। तो देखो इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? हल्का काला या भूरा होता है। कैसा होता है? हल्का काला या भूरा, कुछ भूरापन लिए हुए होता है या फिर क्या होता है? हल्का काला होता है। अब बात करते हैं सींगों की, और वही इंपोर्टेंट विशेषता। मैंने क्या कहा, ये चीजें तो मैं जहां पर ये कह देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, वो चीज तो ऐसे मान के चल लेना कि क्वेश्चन आपके लगभग लगभग बन गया। ठीक है, तो बात करता हूं मैं किसकी? सींगों की। सींग कैसे होते हैं? दराती नुमा। कैसे होते हैं? दराती नुमा। अरे दराती का मतलब दातली, दराती या हसिया का, दरातिया हसिया का क्या होते हैं? इसके सींग होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अन्य नस्लों की अपेक्षा क्या है? छोटी है। भाई अपने उपयोगिता उसमें पढ़ा था ना आकार के आधार पे, भारी, मध्यम और हल्की, तो अन्य नस्लों की अपेक्षा छोटी। अन्य नस्लों की अपेक्षा क्या होती है? छोटी होती है, बहुत छोटी होती है।
तो नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत अपने क्या बता दिया, अन्य नस्लों की अपेक्षा छोटी होती है। उसके बाद बात करते हैं, यानी इसमें क्या होता है, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। वो सफेद रंग की पट्टी कहां होती है? तो जो इसका अधर पक्ष है, जो इसका अधर पक्ष है, उस अधर पक्ष वह जबड़े के दोनों तरफ, जबड़े के दोनों तरफ सफेद रंग की पट्टी कैसी पाई जाती, कैसे कलर की पट्टी पाई जाती है? सफेद कलर की पट्टी पाई जाती है। कहां पर? अधर पक्ष व जबड़े के दोनों तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता ये भी। उसके बाद बात कर लेते हैं अयन क्या होते हैं। सुविकसित प्रकार के पाए जाते हैं। किस प्रकार के पाए जाते हैं? सुविकसित प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप बता दीजिए अयन सुविकसित तथा पिछले जो पेड़ होते हैं उन पिछले पेड़ में क्या होते हैं? वर्गाकार रूप में उपस्थित होते हैं। किस रूप में? वर्गाकार रूप में उपस्थित होते हैं। जो पिछले पेड़ होते हैं उनमें क्या होते हैं? वर्गाकार रूप में उपस्थित होते हैं। उन दोनों पेड़ों के बीच में, जो पिछले दोनों पेड़ है उन दोनों पेड़ों के बीच में क्या होते हैं? ये वर्गाकार रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रथम व्यास की उम्र। ब्यांत की उम्र देखो, जो सूरती है, जैसे सूरती की जो प्रथम ब्यांत की उम्र होती है वो होती है 42 से 48 माह। कितनी होती है? 42 से 48 माह। और आपकी जो मुरा थी उस मुरा क्या क्या हो गई? 36 से 48 माह। कितनी हो गई? 36 से 48 माह। अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। ठीक है, देखो उपयोगिता में क्या करना है आपको, एक तो दूध उत्पादन बताना है, क्योंकि भैंस को अपन लगभग किसके लिए पाल रहे हैं? दूध के लिए तो पाल रहे हैं। तो एक तो आपको क्या बताना है? दूध उत्पादन बताना है। दूसरी चीज आप इसमें क्या बताओगे? वसा बताओगे। क्या बताना है? वसा बताओगे। तो दूध उत्पादन कितना होता है? 1600 से 1800 लीटर। दूध उत्पादन कितना मिलता है अपने यहाँ से? 1600 से 1800 लीटर प्रति व्यक्ति, यानी एक ब्याज से अपने को 1600 से 1800 लीटर दूध प्राप्त होता है। उसके बाद बात करते हैं वसा की। देखो इस दूध जो गाय की सूरती नस्ल है इसके दूध में 7.5% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 7.5% वसा पाई जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नस्ल। चलो कलर वाली ले लेते हैं। कौन सी? तांबे जैसी वाली ले लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसे मान के चलिए कि आपके नस्लों से 3-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं। बात कर रहे थे अपन कौन सी नस्ल की? बदावली। कौन सी नस्ल की बात कर रहे हैं अपन? बदावली की बात कर रहे हैं। बदावली का मूल स्थान सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इसका जो मूल स्थान होता है वो है बाहू आगरा यूपी या बदावर क्षेत्र, या बदावर क्षेत्र। और ये बदावर क्षेत्र भी कहां पाए जाते हैं? यूपी में पाए जाते हैं। बाहू आगरा यूपी या बदावर क्षेत्र। अब बात करते हैं इसके वितरण की, यानी ये कहां कहां प्रजेंट में पाई जाती हैं। तो देखो जो यमुना नदी है, कौन सी नदी? यमुना नदी है। इस यमुना नदी की, इस यमुना में एक नदी मिलती है जाके अपने राजस्थान से होके, कौन सी नदी? चंबल नदी। तो जो यमुना में चंबल है इसके घाटी में स्थित इटावा व ग्वालियर में पाई जाती है। चंबल व यमुना की घाटी में स्थित, घाटी में स्थित इटावा, इटावा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। वह ग्वालियर, और ग्वालियर ये भी उत्तर प्रदेश में ही है।
ग्वालियर में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? इटावा व ग्वालियर। और इटावा व ग्वालियर कहाँ है? चंबल व यमुना नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके शारीरिक विशेषताओं की। इसकी बात कर रहे हैं इसके शारीरिक विशेषताओं की, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता कौन सी? कलर। और कलर कैसा होता है? तांबे जैसा। कैसा होता है? तांबे जैसा कलर होता है। ठीक है, बदावरी उसका सॉरी भूरा काला, गहरा काला, उसके बाद में अपने सूती पड़ी हल्का काला या भूरा रंग का, उसके बाद में तीसरी नस्ल पड़ रही है अपन कौन सी? बदावरी। और बदावरी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? तांबे जैसा होता है। फिर बात कर रहा हूं मैं यानी इसके सींगों की, तो जो सींग होते हैं वो क्या होते हैं? चपटे। सींग कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। सींग चपटे वह पीछे की तरफ मुड़कर, पीछे की तरफ मुड़कर पुनः अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। कहाँ मुड़ जाते हैं? अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। एक बार तो क्या होते हैं? पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उसके बाद में पुनः क्या होते हैं? कहाँ मुड़ जाते हैं? अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो सींग क्या होते हैं? चपटे, वह पीछे की तरफ मुड़कर पुनः अंदर की तरफ पे मुड़ जाते हैं। फिर बात करते हैं आयनों की, तो आयन क्या होते हैं? छोटे। आयन क्या होते हैं? छोटे। वह दुग्ध सिराए क्या इसमें क्या होती है? स्पष्ट नजर आती है। क्या होता है? दुग्ध सिराए उभरी हुई। आयन छोटे वह दुग्ध सिराए उभरी हुई। दुग्ध सिराए उभरी हुई। चलो दुग्ध सिराओं के नाम से क्वेश्चन से याद आया भाई, यही बता देता हूं। जेठ 2017 यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध सिराओं में क्या पाया जाता है? दुग्ध सिराओं में क्या पाया जाता है? तो दूध दुग्ध जो सिराए हैं उनमें क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया दूध, दूसरा ऑप्शन दिया जल, तीसरा ऑप्शन दिया जल व दूध, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताओ दुग्ध सिराओं में क्या पाया जाता है? तो याद रखना दुग्ध सिराओं में दोनों चीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोनों ही चीज पाई जाती है, जल व दूध दोनों ही पाया जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा दुग्ध सिराओं के नाम से आ गया तो मैंने आपको बता दिया है। दुग्ध सिराओं में क्या पाया जाता है? तो जल व दूध यानी पानी व दूध दोनों ही पाए जाते हैं। बात करते हैं प्रथम ब्यांत की उम्र। प्रथम ब्यांत की उम्र, तो प्रथम ब्यांत की उम्र होती है 48 से 54 माह। कितनी होती है? 48 से 54 माह होती है। आगे समझ में, यानी पहला पढ़ा था 36 से 48 माह है। दूसरी नस्ल अपने पढ़ी थी कौन सी? सूरती। सूरती की पढ़ी कितने? 40 से 48 माह है। 40 से पढ़ी या 42 से पढ़ी? 42 से 48 माह। और उसके बाद में बात करते हैं कौन से की? बदावरी की। उसकी होती है 48 से 54 माह है। ठीक है, चलो उपयोगिता बात कर लेते हैं। उपयोगिता देखो यहां से कौन सी नस्ल से? बदावरी से अपने को जो दूध प्राप्त होता है वो होता है 900 से 1200 लीटर। कितना दूध प्राप्त होता है यहां से अपने को? 900 से 1200 लीटर प्रति प्यार। बात करते हैं वसा की, तो सबसे ज्यादा वसा इसी के दूध में पाई जाती है। कितनी? 12 से 14% या फिक्स आ जाता है तो 13%। यदि फिक्स आए तो 13% बता रहा है, और यदि आपको रेंज में देता है तो 12 से 14% वसा आपको किसमें बतानी है? बदावरी के दूध में बतानी है। तो सर्वाधिक वसा, अरे पढ़ा क्या इतनी देर इतनी वसा नहीं पढ़ा ना,
तो सर्वाधिक जो वसा होती है वो सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? गोदावरी के दूध में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली नस्ल थी वो कौन सी थी? मुर्रा थी। ठीक है, चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट नंबर चौथी नस्ल जाफराबादी। कौन सी नस्ल अपने को देखनी है? जाफराबादी अपने को देखनी है। चलो ये जाफराबादी का ओरिजिन प्लेस तो नाम ही जाफराबाद से निकाल देना। किससे निकाल दोगे? जाफराबाद, काठियावाड़। और काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में। काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में है। तो जाफराबादी का जो मूल स्थान आया वो क्या, कहां आ गया? जाफराबाद काठियावाड़ गुजरात में आ गया। बात करते हैं विशेषताओं की। इसकी बात कर रहे हैं अपन, विशेषताओं की इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इसका जो माथा होता है, ठीक है, वो माथा क्या होता है? बाड़े में उठा हुआ होता है माथा, या सिर भी बोल सकते हो, हालांकि शब्द आपके पास माथा ही आएगा। तो माथा चौड़ा व उठा हुआ, या माथा भारी, दोनों शब्द याद रख लेना। माथा चौड़ा या भारी व उठा हुआ, ठीक है। फिर बात करते हैं शरीर भारी भरकम व लंबा होता है। शरीर क्या होता है? भारी भरकम। शरीर भारी भरकम व लंबा। मैंने पहले आपको कहा था मिनी एलिफेंट छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यानी भारी होती है, भारी होने के कारण किस नाम से जानते हैं इसको? मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। सिंह क्या होते हैं? लंबे व गर्दन की तरफ झुके हुए। सिंह कैसे होते हैं? लंबे व गर्दन की तरफ झुके हुए, लंबे व गर्दन की तरफ झुके हुए होते हैं, ठीक है, तरफ झुके हुए। एक तो क्या होते हैं? लंबे होते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं? गर्दन, जो गर्दन होती है उस गर्दन के दोनों तरफ झुके हुए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं यानी गोल छल्लेदार। इसके अलावा सींगों की बात करो, मैं सींग आगे से क्या होते हैं? गोल छल्लेदार होते हैं। कैसे होते हैं? गोल छल्लेदार होते हैं। फिर बात करते हैं इसके पिछले भाग की। इसकी बात कर रहा हूं पिछले भाग की, तो जो पिछला भाग होता है वो क्या होता है? भारी होता है। पिछला भाग भारी होता है। अरे भारी नस्ल है, भारी हो, पिछला भाग क्या होगा? भारी होगा, ठीक है। तो पिछला भाग कैसा हो गया? भारी हो गया। उसके बाद बात करते हैं फर्तम ब्याह की उम्र 42 से 48 माह है। कितनी होती है? फर्तम ब्याह की उम्र 42 से 48 माह होती है। और 42 से 48 माह और किसकी देखी थी? सूरते की देखी थी, ठीक है। बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। सारे भी विशेषताओं की अपनी बात कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देख रहे हैं उपयोगिता। देखो ये क्या होता है? लगभग आपके बदावरी के लगभग समान दूध देती है, थोड़ा सा उससे कम मान के चलना। 900 से 1100 लीटर इतना मानना है, 900 से 1100 लीटर दूध प्रति ब्याह, यानी एक ब्याह से अपने को यहां से दूध कितना प्राप्त होता है? 900 से 1100 लीटर प्राप्त होता है। और इसमें जो वसा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 7 से 9% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 7 से 9% पाई जाती है, ठीक है। आगे समझ में? चलो आगे देखिए नेक्स्ट नसल कौन से देखते हैं? नीली रानी। मुर्रा पढ़ लिया, उसके बाद में सूरती पढ़ ली, उसके बाद में तीसरी बदावरी पढ़ ली, बदावरी के बाद में जाफराबादी पढ़ ली। अब पढ़ लेते हैं कौन सी? नीली रानी। नीली रानी देखो, जो नीली रानी है, इस नीली रानी का जो मूल स्थान है वो कहाँ है? तो इसी के नाम से, नीली रानी के नाम से इसका नाम पड़ गया।
यानी जो नीली जो नदी थी कौन सी, एक तो नीली रावी और दूसरी सतलज नदी, उस सतलज नदी में क्या होती है पाई जाती है, जिसके कारण से इसका नाम भी क्या पड़ गया नीली रावी पड़ गया। तो मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान एक तो बता दीजिए नीली रावी, नदी का नाम नीली रावी व सतलज नदी, कौन सी नदी सतलज नदी, ये दोनों पंजाब में है, एक तो नीली रावी और दूसरी सतलज नदी, इस सतलज नदी के क्षेत्र में पाई जाती है, सतलज नदी के क्षेत्र में पाई जाती है, या तो आपके पास ये मिलेगा कौन सा नीली रावी का सतलज नदी का क्षेत्र। इसके अलावा यदि आपको और मिलता है तो पंजाब का कहां का, मैंने पहले ही बताया नीली रावी और सतलज नदी कहां पर है पंजाब में है, तो पंजाब का फिरोजपुर व अमृतसर, पंजाब का फिरोजपुर व अमृतसर में पाई जाती है, ओरिजिन प्लेस कहां था पंजाब का फिरोजपुर व अमृतसर। इसके अलावा यदि ये भी नहीं मिले तो फिर मिलेगा आपको मॉन्टगोमरी पाकिस्तान, मॉन्टगोमरी पाकिस्तान यह आपके पास में आएगा, ठीक है। नीली रावी व सतलज नदी का क्षेत्र, पंजाब का फिरोजपुर व अमृतसर क्षेत्र जो जिले हैं, या मॉन्टगोमरी पाकिस्तान क्या है इसका ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। बात करता हूं मैं इसकी विशेषताओं की, यानी इसकी शारीरिक विशेषताएं, कौन सी शरीर की ऐसी विशेषता है जिससे अपन इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले शरीर का रंग, किसकी बात कर लेता हूं मैं, शरीर का जो रंग होता है उस शरीर का रंग या तो हल्का काला होगा या कैसा होगा भूरे कलर का होगा, कैसा होगा सॉरी हल्का काला ना होगी काला ही होगा, बोलने में मिस्टेक हो गई, काला या भूरा, काला या भूरा दोनों कलर इसके मिल सकते हैं, या तो काला रंग मिल सकता है या भूरा रंग मिल सकता है। सींग क्या होते हैं छोटे होते हैं और आगे की तरफ बूढ़े हुए होते हैं, सींग कैसे होते हैं छोटे, सींग छोटे व आगे की तरफ बूढ़े हुए, आगे की तरफ मुड़े हुए। फिर बात करते हैं इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता की, जो आंखों की पुतलियां होती हैं, जो आंखों की पुतलियां होती हैं उन आंखों की पुतलियों का रंग कैसा होता है सफेद होता है, किस प्रकार का होता है सफेद होता है, जैसे नीला होता है, लेकिन जो आपकी नीली रानी है उसकी आंखों की पुतलियों का रंग होता है सफेद, तो आंखों की पुतलियों का रंग सफेद। फिर ये भी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है। फिर दूसरी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता, माथे पर सफेद रंग का टीका, माथे पर सफेद रंग का टीका होता है, सफेद रंग का टीका लगा हुआ होता है, यानी जो सफेद बाल होते हैं वो किससे होते हैं माथे पर सफेद रंग का होता है, तो सफेद रंग का टीका हो जाता है। फिर बात करते हैं जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं विकसित होते हैं, लेकिन उनका रंग होता है कभी कभी गुलाबी पाया जाता है, आयन विकसित, आयन विकसित हुए कभी कभी गुलाबी रंग के, यानी मोस्टली तो गुलाबी रंग के नहीं पाए जाते हैं लेकिन कभी कभी क्या होते हैं गुलाबी रंग के होते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं गुलाबी रंग के, तो आयन विकसित वह गुलाबी रंग के कभी कभी गुलाबी रंग के पाए जाते हैं। फिर बात करता हूं फर्तम व्याप्त की उम्र, इसकी बात करनी है अपने को, फर्तम व्याप्त की उम्र देखनी है, तो देखो फर्तम व्याप्त की उम्र जो है वो होती है इसकी, यानी आपके 40 से 48 माह है, कितनी होती है फर्तम व्याप्त की उम्र 40 से 48 माह है, कितना होता है 40 से 48 माह फर्तम व्याप्त की उम्र होती है। नेक्स्ट देखिए उपयोगिता,
नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, उपयोगिता। उपयोगिता में दूध बताना है 1500 से 1800 लीटर। कितना दूध बताना है? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याह, यानी एक ब्याह से अपने को दूध मिल जाता है 1500 से 1800, और जिसमें वसा पाई जाती है 8 से 10%। कितनी वसा पाई जाती है? 8 से 10% वसा पाई जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद में एक नस्ल आपके और बन जाती है, वो कौन सी है? मेहसाना। कौन सी नस्ल है? मेहसाना। बात करते हैं ओरिजन पैलेस की, तो ओरिजन पैलेस मेहसाना के नाम से है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है, तो मेहसाना गुजरात, मेहसाना गुजरात, या फिर या तो आपके साथ सप्ताह में सब ही आएगा, या गुजरात का बनासकांठा, गुजरात का बनासकांठा व साबरकांठा। या तो आपके पास में क्या है? मेहसाना गुजरात, या इसके अलावा आपके पास में आएगा क्या, यानी बनासकांठा व साबरकांठा। यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि मेहसाना राजस्थान में कहां पाई जाती है? मेहसाना राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो ये जालौर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जालौर में पाई जाती है। ठीक है, चलो विशेषताओं के ऊपर चलते हैं। विशेषताएं अपन इसकी देखते हैं, शारीरिक विशेषताएं यानी कौन किस प्रकार से पहचानी जाएगी। तो देखो सारे पहली चीज यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये किसका क्रॉस है, किसके संकरण से तैयार है। तो एक तो आपके मुर्रा नस्ल थी, उस मुर्रा के और सूरती के दोनों के संकरण से तैयार की गई नस्ल कौन सी है? मेहसाना है। सींग क्या होते हैं? चौड़े व अंदर की तरफ मुड़े हुए। सींग कैसे होते हैं? चौड़े व अंदर की तरफ मुड़े हुए, चौड़े व अंदर की तरफ मुड़े हुए। मुरा है, मुरा के लगभग लगभग सामान्य तो पाए जाएंगे, तो अंदर की तरफ मुड़े हुए थे मुरा के। ठीक है, तो इसके भी क्या होते हैं? मुड़े, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, लेकिन चौड़े पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता, गर्दन लंबी होती है और सुंदर होती है। गर्दन क्या होती है? लंबी व सुंदर। गर्दन कैसी होती है? लंबी व सुंदर होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सारी विशेषता अपन देखें, तो जो पूंछ और पैर होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? सफेद धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सफेद धब्बे, पूंछ व पैरों पर सफेद धब्बे। और मुर्रा में किस प्रकार के धब्बे थे? उस पे, पूंछ पे, यानी सफेद या सुनहरे सुनहरे बाल थे, लेकिन यहां धब्बे ही पाए जा रहे हैं। तो पूंछ व पैरों पर क्या होते हैं? सफेद धब्बे पाए जाते हैं। प्रथम ब्याह की उम्र 40 से 48 माह है। प्रथम ब्याह की उम्र कितनी होती है? 40 से 48 माह है। कितनी हो जाती है? 40 से 48 माह है प्रथम ब्याह की उम्र हो जाती है। फिर बात करते हैं इसके उपयोगिता की, तो उपयोगिता में एक तो दूध उत्पादन बताना है और दूसरा इसमें वसा बतानी है। तो उपयोगिता के अंतर्गत एक तो दूध उत्पादन, दूध उत्पादन कितना है? 1200 से 1700 लीटर है। कितना है? 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्याह, यानी एक ब्याह से अपने को दूध कितना प्राप्त हो रहा है? 1200 से 1700 लीटर। और उसमें वसा कितनी पाई जाती है? 7 से 8% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 7 से 8% पाई जाती है। ये क्या हो जाता है? आपकी भैंस की नस्लें कंप्लीट हो जाती हैं। जो भी आगे है यानी उसमें नेक्स्ट अपन पढ़ लेंगे, भैंस पढ़ लिया, भैंस के बाद में बकरी या जो भी भेड़ वगैरह है